हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जब आपके चैनल का एक माइलस्टोन जो है वो है 4000 आवर्स वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर्स जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो दोस्तों आपको अपने चैनल का मोनेटाइजेशन को इनेबल करना पड़ता है। अब दोस्तों, इसको इनेबल करने के लिए बहुत सारे सेटिंग्स आते हैं, बीच में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे अपने चैनल का मोनेटाइजेशन को इनेबल कर सकते हो। इस पर दोस्तों मेरी ऑलरेडी एक चैनल पर वीडियो बनी है जिसपे कि 9 लाख के करीब व्यूज़ है, लेकिन दोस्तों उस टाइम था यूट्यूब स्टूडियो क्लासिक वर्जन, और क्लासिक वर्जन में और अभी आ गया है बीटा वर्जन, और बीटा में क्लासिक में जो है डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा चेंजेज है। ठीक है, अभी का क्लासिक और बीटा का जो फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है स्टूडियो पे करके दिखाऊंगा, यूट्यूब स्टूडियो बीटा पे करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए, चैनल बनाए तो या सब्सक्राइब करना, सारे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोग 1 मिलियन के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने चैनल को लोगों के ऊपर क्लिक करना है, देन जाना आपको स्टूडियो, देखिए यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है मोनेटाइजेशन, इस वाले टैब पे क्लिक करना है। टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम यहाँ पे जो है शो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सब्सक्राइबर 8680 हो चुका है, और वॉच टाइम 4000 चाहिए, लेकिन 4233 हो गया, मतलब कि क्रॉस हो चुका है। तो दोनों में ग्रीन ग्रीन टिक नज़र आएगा आपको, तो इसमें क्या है कि ये दोनों कंप्लीट हो चुका है माइलस्टोन, जो कोई होता है 365 डेज के अंदर में ये आप लोगों का करना होता है। तो इसका कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाता है, अगर आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो नोटिफाई मी का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का यहाँ ऑप्शन आ चुका है, तो आपको सिंपली से अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये 3 स्टेप आता है, तो एक एक करके सबको कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 के ऊपर में देखिए स्टार्ट वाला एक बटन मिलता है, आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा जाता है, तो नीचे आना है, सिंपली से आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना। चाहो तो आप लोग ये एग्रीमेंट पढ़ सकते हो क्या क्या यूट्यूब ने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर करना है एक्सेप्ट टर्म्स, ये आपका नंबर 1 जो है ये हो चुका है कंप्लीट, यहाँ पर देखिएगा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रोसेसिंग है, तो ये अभी देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन होकर के डन हो गया, मतलब कि ये कंप्लीट। अब स्टेप 2 पे भी आपका स्टार्ट बटन आ चुका है। अब यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली सा स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है, आपके पास पहले से अगर गूगल एडसेंस बना हुआ है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, देन आपको करना कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो है रिडायरेक्ट कर देगा गूगल के एडसेंस अकाउंट पे, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस भी ईमेल से आपको गूगल एडसेंस बनाना है उस ईमेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे मेल से वो सारे शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे ज्योति के नाम से ही करना है, तो ज्योति श्री वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का जो है एडसेंस का पेज आ चुका है, यहाँ पे इसके चैनल का लिंक ऑटोमेटिक से आपका आ जाएगा, और यहाँ पे गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे जाना, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है जो कि है इंडिया, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंडिया, ये रहा इंडिया। उसके बाद आपको फिर नीचे आना, फिर एक एग्रीमेंट आपको साइन करना होता है, तो यहाँ पे सिंपली से यस कर देना है, चाहो तो रीड कर सकते हो। उसके बाद करना क्रिएट अकाउंट। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एड्स मेड इजी ये सब आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके इस तरह से स्वाइप अप करते जाना है, करना है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पेमेंट का प्रोफाइल आईडी यहाँ दिख जाएगा, उसके बाद अकाउंट्स के बारे में आपको सारा अब यहाँ पे डिटेल फिल करना होता है। तो यहाँ डिटेल पे आपको एड्रेस लाइन पे एड्रेस देना है, नाम देना है, और नाम और एड्रेस वही होना चाहिए जो आपको गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करोगे, चाहे वो पैन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी हो। आधार कार्ड का अभी ऑप्शन हटा दिया गया है, तो आपको पैन कार्ड चाहिए या फिर वोटर आईडी चाहिए, तो पैन कार्ड में जो भी एड्रेस है नाम है वो सेम टू सेम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो चलिए मैं एक एक करके सब फिल करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ स्किप करके वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सारा कंप्लीट हो चुका है, सारा कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली से सबमिट के ऊपर में क्लिक करना है। ठीक है, अब सबमिट करने के बाद ये रिडायरेक्ट होने लगेगा आपके सीधे गूगल के यहाँ पे। ठीक है, रिडायरेक्ट यूट्यूब योर होस्ट, तो यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट के ऊपर में क्लिक करना है, अभी आपके चैनल पे लेकर चला जाएगा यूट्यूब पे। आपका एडसेंस अकाउंट बन के कम्प्लीट हो चुका है, अभी आप लोग देखिए रीलोड होने के बाद चला जाएगा चैनल पर। तो अभी आप देख सकते हो ये चैनल पर फिर से रिटर्न आ चुका है। अब रिटर्न आने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेप 2 पे इन प्रोग्रेस लिखा रहा, इसका मतलब ये है कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट तो बन गया, लेकिन एडसेंस अकाउंट में अभी ये क्या होगा कि अब एडसेंस गूगल वाले वो रिव्यू करेंगे, आपका नाम एड्रेस ये सब सारा चेक करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी पहले से उसी नाम से एडसेंस है तो फिर आपका डिसअप्रूव हो जाएगा, और अगर नहीं है सब कुछ ओके रहेगा तो आपका अप्रूव हो जाएगा। तो ये 72 आवर्स मिनिमम, मतलब कि मैक्सिमम 72 आवर्स लगता है वहाँ से रिव्यू होने के बाद जो है मेल आने में। तो अब हमें यहाँ पे वेट करना है कि मेल जब तक नहीं आता यूट्यूब की ओर से, ठीक है, सॉरी गूगल की ओर से।
गूगल पे जब भी मेल आ जाएगा तो ये डन हो जाएगा, अगर अप्रूव हो जाएगा तो ये जैसे डन यहाँ लिखा हुआ है ये भी डन हो जाएगा। डन होने के बाद ये ऑटोमेटिक से रिव्यू पे चला जाएगा, आपको स्टेप थ्री में कुछ भी नहीं करना। और रिव्यू पे जाने के बाद फिर गूगल जो है यूट्यूब आपके चैनल को रिव्यू करेगा, उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा, आपका डायरेक्ट मेल आएगा आपके मेल अकाउंट पे। तो जो कुछ सारा प्रोसेस था वो स्टेप वन पे ही था, सॉरी टू पे था, टू पे ही सारा मेन स्टेप जो था वो गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना, ये सब जो कि मैंने दिखाया। और जैसा कि बताया कि एड्रेस लाइन पे ही आपको अपना नंबर भी ऐड करना है। तो ये सब चीज़ करने के बाद आपको अब यहाँ पे वेट करना है, वेट करने के डन हो जाएगा, उसके बाद स्टेप थ्री पे रिव्यू पे चला जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या सेटिंग करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।